Hello friends, very good evening. Welcome to Online Tyari Current Affairs 360 Degree Approach Show. मैं आपका अपना सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूँ 23 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप जो आने वाले एग्जाम्स हैं, एसएससी के हो गए चाहे रेलवे के एग्जाम्स हैं, उसके लिए आप लोग जो है तैयार हो गए हैं और उन्हें कमर बांध ली है कि इसको निकालना है। तो आपके तैयारी में साथ देने के लिए हम रोज लेकर आते हैं करंट अफेयर सेशन। तो यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। किससे? तो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो कल हम लोगों ने आपसे ये पूछा था कि फ्लाइंग बुलडॉग दुनिया का सबसे बड़ा क्या है। सो फ्लाइंग बुलडॉग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। सो क्या है ये एक्चुअल में एक मक्खी यानी कि बी है। क्या है? तो एक मक्खी यानी कि बी है। सो करेक्ट आंसर है सी। तो जरा इसके बारे में जानकारी देखें। तो ये देखिए, ये रहा आपका फ्लाइंग बुलडॉग, ठीक है, और ये अंगूठे के आदमी के अंगूठे का जो साइज है उसके बराबर जो है ये आपका फ्लाइंग बुलडॉग है। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो हनी बी होती है मधुमक्खी, वो कितनी इसके आगे छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका जो कुल बॉडी लेंथ है वो 39 मिलीमीटर का है और विंग स्पैन इसका है 63.5 मिलीमीटर का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसकी खोज कहां हुई। तो इसकी खोज जो है कहां हुई, तो नॉर्थ मॉलिकास आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है। कहां है ये नॉर्थ मॉलिकास आइलैंड? तो इंडोनेशिया में। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये देखा गया है, इनफैक्ट 40 साल बाद ये देखा गया है। पहली बार इसको खोजा था किन्होंने? अल्फ्रेड वॉलेस ने, और इसका नाम रखा था वॉलेस जायंट बी। ठीक है, जब 1981 में इसे खोजा गया था। ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड जो अल्फ्रेड वॉलेस है उन्होंने वॉलेस जायंट बी, जिनके नाम पर ये इस बी का नाम रखा गया था, उन्होंने इसको 1858 में खोजा था। लेकिन लास्ट ये जो है दिखा कब था? 1981 में लास्ट दिखा था। ठीक है, और ये जो है क्या है कि जो रेजिन का ट्री रहता है उसमें अपना नेस्ट बनाता है और वहीं रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको यहां पर बता दें कि ये जो बी है 40 साल बाद कंजर्वेशनिस्ट को दिखाई दिया है। कितने साल बाद? तो 40 साल बाद। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका मेगा चिले प्लूटो। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? मेगा चिले प्लूटो। मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर नहीं होगा, मेगा चिले प्लूटो। ठीक है, तो आई होप यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अब यहां से चालू होता है। कल का हमने क्वेश्चन ऑफ द डे देख लिया, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सो हु वन द गोल्ड मेडल इन द विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2019? तो पहले तो ये बता दें कि आईएसएसएफ विश्व कप 2019 कहां हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है। कहां? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहां हो रहा है? करनी सिंह स्टेडियम में। ठीक है, करनी सिंह शूटिंग रेंज जो कि नई दिल्ली में है, तो वहां इसका आयोजन हो रहा है। और ये अभी सुर्खियों में इसलिए भी आया क्योंकि भारत ने जो है पाकिस्तान से दो शूटर जो आने वाले थे उनको वीजा नहीं दिया। इसीलिए इस प्रतियोगिता से जो है पहले 16 जो है ओलंपिक कोटा बुक होने वाले थे। कौन से ओलंपिक के लिए? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए। लेकिन चूंकि दो पाकिस्तानी शूटर्स को भारत ने वीजा नहीं दिया पुलवामा आतंकी हमले के बाद, तो अब जो है मात्र यहां से 14 कोटा ही जाएंगे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, अब हमने सवाल यह पूछा था कि 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट आंसर है बी, अपूर्वी चंदेला ने। किसने जीता? तो अपूर्वी चंदेला ने जो है यह खिताब जीता। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है
कि किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने एक साल का आपातकाल की घोषणा की. सो द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री डिक्लेयर्ड ईयर लॉन्ग स्टेट ऑफ इमरजेंसी. तो ये किसने किया है? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर है सी, सूडान ने जो है इसकी घोषणा की है. और वहां के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? वहां के राष्ट्रपति हैं उमर अल बशीर, जो कि लगभग 1987 से ही लगभग राष्ट्रपति बने हुए हैं. और वहां के प्रधानमंत्री हैं मुताज मौसा. और करेंसी है वहां की, ये करेंसी है सूडानीज पाउंड. तो हम आपको यहां पे बता दें कि ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सूडान. ठीक है, ये आपका सूडान दिखाई दे रहा है. तो जब तक सूडान जो है 2011 तक जब तक डिवाइड नहीं हुआ था. अब ये साउथ सूडान है और ये आपका नॉर्थ सूडान है. ठीक है, इसको हम नॉर्थ सूडान बोलते हैं और साउथ वाले को साउथ सूडान. सो जब तक ये 2011 तक डिवाइड नहीं हुआ था तो ये अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश था. लेकिन डिवाइड होने के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा देश है. अभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पे है अल्जीरिया और दूसरे नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है, अब बात आती है कि सूडान की कैपिटल क्या है. सूडान की कैपिटल है खार्तूम. अब देखेंगे खार्तूम क्यों फेमस है. ठीक है, तो पहले आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. तो सूडान का मतलब है लैंड ऑफ ब्लैक्स. किस भाषा में? तो अरबी भाषा में. तो अरबी भाषा में सूडान का मतलब है लैंड ऑफ ब्लैक्स. ठीक है, प्लस खार्तूम जो है जो सूडान की राजधानी है, तो यहां पर इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन जो विश्व की सबसे लंबी नदी है. सो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है यहां पे मर्ज होती हैं और क्या है कि नाइल नदी बनती है जो जाके स्वेज कनाल में गिरती है. कहां जाके गिरती है? तो स्वेज कनाल में ये जाके गिरती है नाइल नदी. ठीक है, तो यही आके मर्ज होती है. इसके अलावा यहां पे एक इंटेंस डस्ट स्टॉर्म चलता है जनरली सेंट्रल सूडान में. ठीक है, यहां पे जो है ये चलता है डस्ट स्टॉर्म और इसको जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है? हबूब. तो अगर आप लोगों से सवाल आता है कि हबूब क्या है, तो आपको कहना है कि मध्य सूडान में चलने वाला एक इंटेंस डस्ट स्टॉर्म है. ठीक है, अब बात करें कि सूडान को जो है इसके अलावा अरब दुनिया का फूड बास्केट कहा जाता है क्योंकि ये अरब दुनिया का 45% अरेबल लैंड जो है यहीं पे है. कहां पे? तो सूडान में. इसलिए इसको अरब की दुनिया का फूड बास्केट भी कहा जाता है. इसके अलावा एक वहां पे ट्राइब है जिसका नाम है न्यू ट्राइब जो कि सदर्न सूडान में रहती है. तो यहां पे क्या होता है, यहां पे घोस्ट मैरिज होता है. सो भूतों वाली शादी होती है, एक ट्रेडिशन है. अब एक्चुअल में क्या भूत से शादी होती है? नहीं, ये एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी औरत की शादी होने वाली है, अगर उसका पति उसी समय मर जाता है तो उसके किसी भाई या रिश्तेदार को जो है उसके एवज में खड़ा किया जाता है. और शादी जो है एक्चुअल में ये माना जाता है कि वो आदमी जो खड़ा है वो शादी नहीं कर रहा है बल्कि जो आदमी मर गया है वो शादी कर रहा है. और इसलिए जो उसका बच्चा होता है उसको घोस्ट चाइल्ड कहा जाता है क्योंकि जिस आदमी ने, जो जिंदा आदमी है जिसने शादी की है, ठीक है, उसको उसका बच्चा नहीं माना जाता है बल्कि उसका बच्चा माना जाता है जो मर गया है. तो इसलिए उसको घोस्ट सन भी कहा जाता है. तो ये घोस्ट मैरिज ये अपने आप में बहुत यूनिक है. कहां पे? तो सदर्न सूडान में नेउर ट्राइब में होता है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपको यहां पे बता दें कि अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया में सूडान जो है सबसे पहला देश था जहां पे पहली बार फीमेल पार्लियामेंटर या महिला सांसद जो है चुनी गई थी. कब? तो 1965 में. ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि सूडान जो है सिविल वॉर्स के लिए जाना जाता है. हम आपको बता दें कि सेकेंड सिविल वॉर जो हुआ था उसमें लगभग ये दुनिया का 21वीं शताब्दी का जो है सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था जिसमें 2 से 3 लाख लोग मारे गए थे. ठीक है, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 1965 के दशक में जब से, यानी कि 1987 से पहले, जब से उमर अल बशीर नहीं आए थे उससे पहले सूडान कितना मतलब कि एम्पावर्ड देश था. ठीक है, आई होप यहां से आपको जो जानकारी हमने दी है ये काफी है. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक व्यापार सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया. सो वेयर वॉज द ग्लोबल बिजनेस समिट हेल्ड रिसेंटली. तो ये कहां आयोजित किया गया? तो आपका नई दिल्ली में है ये आयोजित किया गया. और इसको जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में $10 trillion जो है इकोनॉमी बनेगा. कितना? तो $10 trillion इकोनॉमी बनेगा. और
$10 trillion इकोनॉमी बनने के साथ ही भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी पूरे विश्व में, ऐसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया। कहां पे? तो ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? So where will be the 46th session of Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation held? तो कहां किया जाएगा? तो जी हां, इसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहां? तो अबू धाबी में। और इस दौरान जो है चीफ गेस्ट होंगी वो कौन होंगी? तो वो होंगी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, यानी हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वो जो है इस 46वें इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की क्या होंगी? चीफ गेस्ट होंगी। ठीक है, सुषमा स्वराज। और ये जो है कब चालू होगा? ये 1st और 2nd मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कितने AAI के हवाई अड्डों के लिए शुरू किया गया? सो फॉर हाउ मेनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स वॉज द एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च? तो आपको बताना है कितने एयरपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है ये प्रोजेक्ट। तो ये 8 जो है एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ए। और ये लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने। ठीक है, कितने? तो 8 AAI एयरपोर्ट्स के लिए। और ये एयरपोर्ट कौन कौन है? तो केरला में आपका त्रिवेंद्रम और कालीकट एयरपोर्ट, फिर कर्नाटका में आपका मैंगलुरु एयरपोर्ट, और फिर आपका तमिलनाडु में कौन सा है? मदुरई एयरपोर्ट, असम में रूपसी एयरपोर्ट, राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट, पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट, और मणिपुर में इम्फाल एयरपोर्ट। और इसका मकसद क्या है? कि इसका मकसद है इनको जो है रिवैम्प करना इन एयरपोर्ट्स को। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे ले जाके टूरिज्म को बढ़ावा देना। और इसके अलावा जो है इस मतलब कि इनॉग्रेशन के दौरान सुरेश प्रभु जी ने विजन 2040 डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया। अब ये विजन 2040 जो है ये ग्लोबल एविएशन समिट जो हुआ था, ग्लोबल एविएशन समिट, ठीक है, सो ग्लोबल एविएशन समिट जो हुआ था जनवरी में, जिसका थीम था फ्लाइंग फॉर ऑल, ये कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। सो ये थीम था फ्लाइंग फॉर ऑल, ग्लोबल एविएशन समिट हुआ था कहां पे? तो मुंबई में। तो उस दौरान जो है ये विजन 2040 डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया था। तो उसमें ये कहा गया है कि भारत को 2040 तक लगभग 200 एयरपोर्ट्स और चाहिए होंगे। कितनी पूंजी के साथ या कितनी लागत के साथ? तो $40 to $50 billion। और कितने पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए? तो लगभग 1.1 बिलियन पैसेंजर्स। सो आप ग्रोथ या मार्केट देख सकते हैं, सिविल एविएशन का मार्केट भारत में कितना बड़ा होने वाला है 2040 तक। इसके अलावा जो है इसके लिए जो है जो फ्लीट की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने एयरलाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो लगभग 622 एयरलाइंस मार्च 2018 तक, और मार्च 2040 तक 2360 एयरलाइंस। और ये सब मिलके जो उड़ान स्कीम है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि सब उड़े सब जुड़े के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा ये 2040 डॉक्यूमेंट जो है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने आवासीय और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए सुपर कुशल एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम शुरू किया? सो विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉन्च द सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम फॉर रेसिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स? तो ये जो है सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम जो है दिल्ली में लॉन्च किया गया है, खास करके साउथ और वेस्ट दिल्ली के लिए। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। किसने लॉन्च किया है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने जो है इसको लॉन्च किया है। और ये जो है साउथ वेस्ट दिल्ली के लॉन्च के लिए लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होगा
कि इससे लगभग 22 किलोवाट तक की एनर्जी सेव होगी। कितनी एनर्जी सेव होगी? 22 किलोवाट तक की एनर्जी सेव होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है इसके प्रोग्राम के तहत किया क्या जाएगा, तो इस प्रोग्राम के तहत आपका ठीक है सॉरी इस प्रोग्राम के तहत जो है लगभग 40% एफिशिएंट एसीस बनाए जाएंगे, 40% एफिशिएंट एसीस बनाए जाएंगे। और ये 40% एफिशिएंट किसके मुकाबले होंगे, तो जो 3-स्टार रेटिंग के एसीस होते हैं उनके मुकाबले ये 40% एफिशिएंट होंगे। ठीक है, और ये कितना, तो 22 किलोवाट का एनर्जी ये सेव करेगा। ओके, तो अब बात करें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है आज से 9 साल पहले 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है जॉइंट वेंचर है कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, तो 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। कौन कौन सी, तो आपका NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फिर PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और चौथा पावर ग्रिड। ठीक है, और इसके अब जो तत्कालीन चेयरमैन है वो कौन है, तो इसके चेयरमैन है कौन, राजीव शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये चेयरमैन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत किन तीन पूर्वी नदियों के जल का उपयोग कर सकता है। सो अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इंडिया कैन यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ विच 3 ईस्टर्न रिवर्स, तो किन तीन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि रवि, ब्यास और सतलज। किसके लिए, तो रवि, ब्यास और सतलज जो है, इन ये जो तीन पूर्वी नदी हैं पूरे इंडस वाटर सिस्टम के, तो इन तीन नदियों का जो है भारत पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही फेमस और इंटरनेशनल लेवल पे भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है, जिसको वर्ल्ड बैंक के जरिए जो है ब्रोकरेज किया गया था और आज भी वर्ल्ड बैंक ही हस्तक्षेप करता है, तो ये जो है अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये जो है काफी शोर उठा कि हमें जो है भारत को इंडस वाटर ट्रीटी जो है स्क्रैप कर देना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा पानी रोक देना चाहिए। तो हम यहां पे आपको ये बता दें कि भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप नहीं कर सकता है। इसके रीजन जो है हम बेशक है इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे कि क्यों नहीं कर सकता है, क्या है वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु जल संधि जो है 1960 के तहत क्या किया, जो वर्ल्ड बैंक की उससे आया था कि दो उसमें डिवाइड किया, वेस्टर्न रिवर्स और आपका ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, सो वेस्टर्न रिवर्स में आपके आ गए कौन से, तो आपका ये आ गया झेलम, चिनाब और सिंधु। ठीक है, सो झेलम, चिनाब, सिंधु आते हैं किसके, आपके वेस्टर्न रिवर्स के अंदर। तो इसका जो पानी है पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, और कुल पानी जो एलोकेट हुआ पाकिस्तान को कितना हुआ, 135 मिलियन एकर फिट। ठीक है, सो MAF, और भारत जो इस्तेमाल कर सकता था पूर्वी नदियां यानी कि रवि, ब्यास और सतलज, तो भारत को एलोकेट कितना हुआ आपका 33 MAF। ठीक है, सो मिलियन एकर फीट। इसके अलावा जो है भारत को यह भी अलाउ किया गया कि भारत जो है वेस्टर्न रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है प्रोजेक्ट बना सकता है रन ऑफ द रिवर पे। किस पे, तो रन ऑफ द रिवर यानी कि पानी जो है चल रहा है उस पे भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना सकता है वेस्टर्न रिवर्स पे। ये इंडस वाटर ट्रीटी में दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान जो है कई जो है केसेस को उठा के ले गया है वर्ल्ड बैंक में, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि भारत जो है अपने शेयर का जो है पूरा यूटिलाइजेशन करेगा। तो अभी भारत जो है 33 MAF में से 95% यूटिलाइज कर रहा है,
और जो 2 MAF बाकी है वो अभी भी अनयूटिलाइज जाता है पाकिस्तान को, जो कि रावी का पानी है और ये पानी पूरा अनयूटिलाइज पाकिस्तान को जाता है, कहां से? माधोपुर से, ठीक है। तो इसी को भारत ने कहा कि इसको पूरा यूटिलाइज करके भारत जो है J&K और पंजाब में डाइवर्ट करेगा, और इसके लिए भारत 3 जो है प्रोजेक्ट बना रहा है। सबसे पहला है शाहपुर कांति डैम प्रोजेक्ट, ये जो है भारत ने दिसंबर 2018 में इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दी, कब? तो दिसंबर 2018 में, ठीक है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। और इसमें क्या है कि जो भी पाकिस्तान को पानी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है माधोपुर से, उसको यूटिलाइज करना। फिर है दूसरा उज प्रोजेक्ट, जो कि कठुआ जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसके तहत क्या है कि 30,000 हेक्टर को लगभग एरिगेट करना और इससे 300 मेगावाट जो है पानी उत्पन्न करना। और उज नदी क्या है? रावी की एक सहायक नदी है। इसके अलावा जो है तीसरा सेकंड रावी बियास लिंक जो है उज के नीचे, रिवर के नीचे है, उसको जो है बनाना, जिससे कि जो एक्सेस वाटर फ्लो हो रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, किसके बावजूद? थीम डैम के कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद, ठीक है, तो उसको जो है इंडिया की तरफ डाइवर्ट करना, ठीक है। हम अब आपको यहां पे बता देते हैं कि भारत जो 95% वाटर यूज कर रहा है तो वो किन डैम के जरिए? सो सतलज पे आपका कौन सा है? सतलज पे है आपका भाकरा नंगल। कौन सा है? तो भाकरा नंगल, ठीक है। आपका फिर इस पे जो आपका रावी है, इस पे है आपका थीन डैम, ठीक है, और इसको हम लोग रंजीत सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। और फिर आपका बियास है, इस पे कौन से हैं? दो डैम है, ठीक है, पोंग डैम और दूसरा पंडो डैम, ठीक है। इनके जरिए जो है, और इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह, इनके जरिए भारत जो है 95% जो है वाटर यूटिलाइज कर रहा है अपने शेयर में से। तो अभी गडकरी जी ने क्या कहा कि अब वो जो बाकी 5% भी वाटर है उसको भी पूरा यूटिलाइज करेगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमने दिया हुआ पिक्चर, इंडस, झेलम, चनाब, सतलज और यहीं पे रवि और बियास भी हैं, ठीक है। तो इनके जो पानी है क्या है कि इनका डिवीजन कोई हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य ने शुरू की? सो विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो आपका मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। करेक्ट आंसर है डी, जहां के मुख्यमंत्री है कौन? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदी बेन पटेल जो है ये गवर्नर है। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल इसकी कैपिटल है, ठीक है दोस्तों। अब इसके तहत होगा क्या? इसके तहत आप ये देख लीजिए, ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि भारत का दिल है। तो यहां पे इस स्कीम के अंतर्गत जो है क्या है कि हरेक युवा जो कि हरेक जो है शहरी युवा उसको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कितना? मिनिमम 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए वो जो शहरी युवा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसके तहत क्या है कि उन युवाओं को 4,000 रुपए स्टाइपन पर मंथ और प्लस 100 दिन के लिए पूरा जो कितना दिया जाएगा 13,500 रुपए दिया जाएगा। और इसके अलावा इनको स्किल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब इस स्कीम के लिए कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंतर्गत आता है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंतर्गत वो आते हैं जिनकी जिन फैमिली की एनुअल इनकम 2 लाख सालाना से कम है। और ये जो स्कीम है लिमिटेड है केवल 21 से 30 वर्ष के आयु के युवाओं के लिए। सो 21 से 30 वर्ष की आयु के जो युवाएं हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है वो फैमिली इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्वच्छ प्रतिरक्षित भारत अभियान का राजदूत नामित किया गया है? सो विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन नेम्ड एम्बेसडर ऑफ स्वस्थ इम्यूनाइज इंडिया कैंपेन? तो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, करीना कपूर खान। कौन? तो करीना कपूर खान जो है ये इनको कहने का मतलब स्वस्थ इम्यूनाइज इंडिया कैंपेन या फिर स्वस्थ प्रतिरक्षित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए 10वें क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि समुद्री संरक्षण पर अपने काम के लिए
प्रतिष्ठित ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसने प्राप्त किया? सो हु बैक द प्रेस्टिजियस ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 फॉर हर वर्क ऑन मैराइन कंजर्वेशन? तो किसको मिला है? तो ये मिला है करेक्ट आंसर डी, डॉक्टर दिव्या कर्नाड को। किसको? तो डॉक्टर दिव्या कर्नाड, जो कि एक मैराइन कंजर्वेशनिस्ट है, समुद्री संरक्षण है, ठीक है, इनको इनके काम के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 मिला है। और हम आपको यहां बता दें कि ये पहली महिला है और दूसरी भारतीय है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनसे पहले जो दूसरे पहले भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला था, उनका नाम था डॉक्टर चारुदत्त मिश्र, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अवार्ड हर साल तीन लोगों को दिया जाता है, तो तीन में से एक है डॉक्टर दिव्या कर्नाड, दूसरे हैं ओलिवियर सेनिगमना और तीसरे हैं फर्नांडा आबरा, ठीक है। अब इस अवार्ड की अगर बात करें तो एक प्रेस्टीजियस अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है जो कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज के प्रोटेक्शन पे जो भी अचीवमेंट किया है उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमारा करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है और अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आपसे क्या पूछा है, रुयुगु एक है, क्या है? सो रुयुगु इज एन ए अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट, बी जापान में रॉक पेंटिंग इन जापान, सी छोटा तारा या फिर एस्टेरॉइड या डी रॉकेट, ठीक है। तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, हम इसका आंसर कल शाम को इसी समय बताएंगे। तब तक ले हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू।